हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पेरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास 8th जो अपना नवा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है अलजैबरिक एक्सप्रेशन। बेसिक इंट्रोडक्शन आप पहला पढ़ चुके हैं, जिंदा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच उत्थों देख सकते हो। तो जे बाकी कोई भी चैप्टर की तुहानू वीडियो चाहिए है, जिवें अपने को रैशनल नंबर, स्क्वेयर एंड स्केयर रेट, क्यूब एंड क्यूब रूट, उस तो बाद की अपने को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल एंड प्लेइंग विद नंबर, तो सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच है, तुसी उत्थों देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आप अपना चैप्टर अलजैबरिक एक्सप्रैशन एक्सरसाइज 7.1 के नाल। जो क्वेश्चन नंबर फस्ट है, क्वेश्चन नंबर फस्ट है एक्सरसाइज 7.1 का, ग्रुप का लाइक टर्म, लाइक टर्म आप अलग कढ़नी है। हम लाइक टर्म की होंगी है, सब तो पहला आप पता होना चाहिए लाइक टर्म होंगी की है। लाइक टर्म का मतलब वेरीएबल विद सेम पावर, ठीक है। अपने को एक जा दो या तीन टर्म है, उन्होंने जेकर उन्होंने की है वेरीएबल तो उन्होंने पावर सेम है, दैन दे आर सैड टू बी अ लाइक टर्म। जिमें अपने क्वेश्चन है 8ax, उस तो बाद -3by, उस तो बाद है 5xa एंड लास्ट है 3/5ax। अपन चार टर्म गिवन है। हम देखो इन्हें कोल की है ax, इन्हें कोल ax, इन्हें कोल भी की है ax है। सारे की पावर 1 1 1 1 ते 1 1 है। सारे देखिए वेरीएबल भी सेम है, पावर भी सेम है। सो अपने को लाइक टर्म कौन आ गया, लाइक टर्म 8ax, दैन 5xa, लास्ट इज 3/5ax, ठीक है। ये अपने को आ गई सारिया लाइक टर्म आ गई। जी 3by है -3by, दैट इज़ अ अनलाइक टर्म। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 5a²b, a² ab² 3a²b 2ab² ते लास्ट अपने को 10a²b। ओके, अपन पांच टर्म गिवन है इस बार, आप अलग अलग कढ़नी लाइक टर्म। जिमें कि a²b, इन्हें को a²b है, a²b है, a²b है। तो पहला ग्रुप की है ग्रुप 1, अपन नाम देता ग्रुप 1, दैट इज 5a²b 3a²b एंड लास्ट इज 10a²b। जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 की है अलग है, जिमें ab² ab² ये आपस में की है अलग लाइक टर्म है। ओके, तो आप दो ग्रुप बना के क्वेश्चन की है सॉल्व किया। पहले ग्रुप के a²b, a दो है तो b एक है, दूजे ग्रुप के a1 है तो b की पावर कितनी है 2 है, ठीक है। तो इस तरीके आप लाइक टर्म को की कर सकते हैं अलग कर सकते हैं। सेम ही सी पार्ट तो डी पार्ट है, जिन्होंने कि तुम खुद कंप्लीट कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 2, नैक्सट अपने को क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की कह रहा है, आप नंबर ऑफ टर्म दसनी है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आप नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर दी है। हम देखो टर्म की होंगे, टर्म अपने को होंगे जिमें अलजैबरिक एक्सप्रेशन के, ठीक है। अलजैबरिक एक्सप्रेशन के जो भी अपने को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, दे आर सपरेटड बाय प्लस एंड माइनस। लाइक अपने को लिखे x + y। हम देखो दो पार्ट है अलजैबरिक एक्सप्रेशन के, कादे नाल सेपरेटेड है प्लस नाल, ठीक है। तो इनकी टर्म कितनी है 2 है, फस्ट टर्म दैट इज़ अ सैकेंड टर्म। ओके, आप सिर्फ की दसना टर्म कितनी है क्वेश्चन के, जो अलजैबरिक एक्सप्रैशन गिवन है उनके कितनी टर्म है। टर्म होंदिया की है पार्ट्स होंगे अलजैबरिक एक्सप्रैशन के, जेडे कादे नाल सेपरेट होंगे प्लस नाल या माइनस नाल। जिमें अपने को फस्ट क्वेश्चन है 2a - b, दैट इज़ फस्ट टर्म, दैट इज़ सैकेंड टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है अपने को 2 है। जिमें अपने को नैक्सट है 5 × z + m / 2। पहले इन आप प्रॉपर तरीके लिखा 5 × z, ये की बन गया 5z + m, कौन डिवाइड कर रहा है 2, दैट इज़ m/2। हुण किन्ने टर्म है अपने को, दैट इज़ फस्ट टर्म, दैट इज़ अ सैकेंड टर्म। सो नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 2। ओके, ये नहीं काउंट करना 1 2 3 4, इस तरह नहीं काउंट करना। 5 की जेड नाल की हो रही है मल्टीप्लीकेशन हो रही है, एम नू कौन डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है। वैसे भी जी टर्म है वो किन्दे नाल सैपरेट होंगे प्लस या माइनस नाल, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड का कोई रोल नहीं है। उस तो बाद जिवें अगला क्वेश्चन है 7z - z/a, इत्थे भी फस्ट, दैट इज़ अ सैकेंड। सो नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 2। तो अपने को कितनी नंबर ऑफ टर्म है 2 है। नैक्सट 15xy - 22z + अपने को 11 है, दैट इज़ फस्ट टर्म, दैट इज़ सैकेंड एंड दैट वन इज़ अ थर्ड। सो नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 3। तो अपने को कितनी टर्म आ गई, नंबर ऑफ टर्म दैट इज़ अ
3। उस तो बाद अपने को क्वेश्चन दे विच ई ते एफ पार्ट आप भी सोल्व करते ई पार्ट दे विच की कह रहा 2x² - 3x⁵ +5x⁶ ये अपने को क्वेश्चन है। हम देखो दैट इज़ द फर्स्ट वन दैट इज़ द सैकेंड एंड दैट इज़ द थर्ड सो नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 3। आप नंबर ऑफ टर्म दस रहे हैं कि 1, 2 and 3 सो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। नैक्सट क्वेश्चन दे 3x⁴ +4x² +8 × 1 - x⁴। हुण आपां इस तरह का काउंट कर नहीं सकते 1, 2, 3 इस तरह पहला आपां नूं सोल्व कर दिंदे आं। सोल्व किवें करांगे 3x⁴ +4x² 8 × 1 दैट इज 8 × -x³ दैट इज -8x³। हुण इह दोवें की आ लाइक दे बोथ आर लाइक सो प्लस दे 3 है माइनस दे 8 है याद रखो प्लस दे 3 है माइनस दे 8 है सो कितना बचा माइनस दे 5x³। उस तो बाद की आ गया +4x² प्लस की आ गया 8 फर्स्ट टर्म सैकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म तो किन्ने टर्म आ गया 3 आ गए। पहला आप क्वेश्चन को सॉल्व करांगे जे कोई भी ब्रैकेट गिवन है मल्टीप्लीकेशन गिवन है डिवाइड गिवन है पहला उन्होंने सॉल्व करो उस तो बाद दसो किन्ने टर्म है 1, 2 and 3 सो नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 3। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 दे विच की पूछ रहा अपने को विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीनोमियल आपां नूं कहड़ा कहड़ा पॉलीनोमियल है या नहीं है। हुण पॉलीनोमियल कहड़ा हुंदा अपने कोल ओ एक्सप्रेशन जिंदे विच जो पावर है दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर 0 हो सकती है 1, 2, 3 इस तरह हो सकती है जो पावर है वेरीएबल की वह कदे भी नैगेटिव नहीं हो सकती ना ही वह की है कोई रैशनल नंबर की फॉर्म 1/2, 1/3 इस तरह की फॉर्म के हो सकती है। जिवें अपने कोल पहला क्वेश्चन है 10 - 3x हुण देखो इत्थे अपने कोल पावर की एक्स की पावर 1 है इतने एक्स की पावर कितनी है 0 जे ओनली कॉन्सटेंट है ना दैट मीनस एक्स की पावर उत्थे कितनी है 0 सब कुछ पॉजिटिव इंटीजर है सो दैट इज़ अ पॉलीनोमियल ये अपने कोल की है पॉलीनोमियल है यस इट इज़ अ पॉलीनोमियल। नैक्सट क्वेश्चन z + z² + z⁵ - 7 जिन्या भी पावर है सारिया की पॉजिटिव इंटीजर है सो आप इनू भी की लिखांगे यस इट इज़ अ पॉलीनोमियल। ओके आप पावर देखनी है कोई भी वेरीएबल डिवाइड दे विच नहीं होना चाहिए। ओके लाइक नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 1 + 1/a + 1/a² + 1/a³ हुण जे आपां नूं थोड़ा जिहा सॉल्व करिए ए दी पावर थल्ले वाले पासे 1 है उपर जाके पावर की होगी -1 ए पावर की होगी -2 ए पावर किन्नी होगी -3 एक्सपोनेंट एंड पावर दे विच आपां अगे पढ़ांगे थल्ले पावर पॉजिटिव है तो उपर जाके की हुंदी है नैगेटिव। हुण देखो पावर की बन गया नैगेटिव इंटीजर आ गया ठीक है पर आपां नूं की चाहिए पॉजिटिव इंटीजर सो दैट इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल ठीक है ये अपने कोल पॉलीनोमियल नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन जिवें अपने कोल m² + m-2 डिवाइड दे विच m - m आ गया। हुण देखो जे m - m नूं सॉल्व करिए m² + m-2 डिवाइड दे विच की आ गया 0 जदों कदे भी डिवाइड दे विच 0 आ गया तो यह की हुंदा नॉट डिफाइंड ये की हो जाएगा नॉट डिफाइंड ठीक है क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफानाइट या उन्हूं कह सकते आपां नॉट डिफाइंड तो यह अपने कोल पॉलीनोमियल नहीं है ठीक है दिस इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल क्योंकि m - m कितना हो गया 0 जदों किसी भी नंबर नूं 0 नाल डिवाइड करते हैं दैट इज़ नॉट डिफाइंड तो यह पॉलीनोमियल नहीं बनेगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल ई पार्ट ई ते एफ आप दो होर पार्ट सॉल्व करते हैं 5m + 2n - 7 एम की पावर पॉजिटिव इंटीजर ए भी पॉजिटिव इंटीजर सो यस इट इज़ अ पॉलीनोमियल ये अपने कोल की बन गया पॉलीनोमियल। नैक्सट आ गया x³/2 + y⁴/1/2 पावर की आ रही है फ्रैक्शन च आ रही है ठीक है फ्रैक्शन वाली फॉर्म च आ रही है सो दैट इज़ अ नॉट अ पॉलीनोमियल क्योंकि पावर की होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए 0 हो सकती है 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है पर नैगेटिव नहीं हो सकती ना ही की है फ्रैक्शन दे विच हो सकती ठीक है सो दैट इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल। नैक्सट क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच की कह रहा आइडेंटिफाई द मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल या पॉलीनोमियल। मोनोमियल मतलब वन टर्म
बायनोमियल मीन्स टू टर्म एंड ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म, जे थ्री तो ज़्यादा आ जाए दैट इज़ अ पोलीनोमियल। जिमें अपने को फस्ट क्वेश्चन है 11PQR, ओनली सिंगल टर्म है, कोई प्लस माइनस नहीं है, कितनी टर्म है, वन टर्म। हुण इहनूं आपां की कहांगे, मोनोमियल। इहनूं आपां की कहांगे, मोनोमियल कहांगे, क्योंकि मोनो का मीनिंग होता है वन। देखो दो वर्ड तो मिलकर बनया मोनो ते नोमियल। मोनो का मीनिंग होता वन, नोमियल का मीनिंग की होता टर्म। ओके दैट इज हैविंग अ वन टर्म। मोनो मीनस वन, नोमियल मीनस टर्म, तो टोटल की बन गया मोनोमियल। नैक्सट क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी, किन्नी टर्म है, वन टू एंड थ्री। सो थ्री टर्म, थ्री नूं आपां की कहने इंग्लिश दे विच ट्राई, ते नोमियल टर्म नूं की कहांगे, नोमियल। सो दैट इज अ ट्राइनोमियल। थ्री का मीनिंग होंदा ट्राई, टर्म का मीनिंग की हो गया नोमियल। नैक्सट वन प्लस थ्री ए प्लस फोर ए पावर थ्री, अगेन सेम वन टू एंड थ्री। सो दैट इज थ्री टर्म, थ्री टर्म नूं आपां की कहने ट्राइनोमियल। मीनिंग समझो, मोनो मीनस वन, नोमियल मीनस टर्म, ट्राई मीनस थ्री, नोमियल मीनस टर्म। ओके नैक्सट अपने को टू ए बी प्लस सी, फस्ट टर्म एंड सैकेंड टर्म, किन्ना हो गया टू, टू टर्म। हुण टू का मीनिंग की होंदा बाई, ते टर्म का मीनिंग की होंदा नोमियल। बाई का मीनिंग होंदा टू, नोमियल का मीनिंग की आ गया टर्म आ गया। नैक्सट वन माइनस एम प्लस एम स्केयर, उस तो बाद की आ गया प्लस एम पावर फाइव, माइनस एम पावर सैवन एंड प्लस एम पावर सिक्स। किन्नी टर्म है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री तो ज़्यादा आ गया, तो इन्हूं आपां की कहांगे, पॉली पॉलीनोमियल। होने का मीनिंग समझो, जिहड़ा वर्ड पॉली है दैट मीनस मैनी, पॉली का मीनिंग की होंदा मैनी, नोमियल्स का मीनिंग की होंदा टर्म। जिंदी तीन तो ज़्यादा टर्म आ गई उन्होंने आप लिखा पॉलीनोमियल। पॉली का मतलब होंगे मैनी, तो नोमियल्स का मीनिंग की होंगे टर्म, जिंदियाँ बहुत सारिया टर्म होनू आप कहे पॉलीनोमियल। नैक्सट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव के बच्चे की कह रहा है, डिग्री, डिग्री फाइंड करनी है। हम डिग्री की होंगे, डिग्री का मीनिंग होंगे हाईएसट पावर, डिग्री का मीनिंग की होंगे हाईएसट पावर। हुण हाईएसट पावर जो अपन कोई पुछता है कि कितना पढ़े हो, मैं डिग्री की है, डिग्री मीनस बी ए कंप्लीट की है, बी एस सी कंप्लीट की है, मतलब हाईएसट कितों तक पढ़े हो। ओके सो जिम्मे अपना पहला क्वेश्चन है ए प्लस ए स्केयर, हुण पावर देखो इन्हें कोल कितनी है, वन, इन्हें कोल कितनी है, टू। हाईएसट वड्डा, वड्डा कौन है, दो, तो डिग्री कितनी आ गई, डिग्री इज इक्वल टू टू, डिग्री कितनी आ गई अपनी, टू आ गई। ओके वड्डा कौड़ा टू है, तो डिग्री कितनी आ गई, टू। नैक्सट है टू बी स्केयर माइनस फाइव बी प्लस टू, इतने भी की है टू है हाईएसट, क्योंकि इतने वन है, इतने की जीरो। सो डिग्री कितनी आ गई अपने को, डी फोर डिग्री, दैट इज अ टू। जिम्मे एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, माइनस नाइन ए बी प्लस इलेवन बी। हम देखो ए को वन है, बी को वन है, वन तो वन कि हो गया टू, सो डिग्री कितनी आ गई अपने को, डिग्री इज इक्वल टू टू। जे दो अपने को वेरीएबल है, दोवों की पावर की कर दो, ऐड कर दो, तो डिग्री कि आ गया, टू आ गया। उस तो बाद डी पार्ट खुद कर सकते हो, ई खुद कर सकते हो, तो एफ भी खुद कर सकते हो, ठीक है। सारे की डिग्री, डी का कि आएगा टेन, ई का कि आएगा ट्वेंटी, तो एफ का कि आएगा थ्री आएगा। ओके डी पार्ट, डी का कि आएगा टेन, ई पार्ट डिग्री कितनी आएगी ट्वेंटी, तो एफ पार्ट की डिग्री कितनी आएगी थ्री आएगी। इस तरीके इन्हों की है कर सकते हो, बस याद रखना डिग्री का मीनिंग की होंगे हाईएसट पावर, जो अलजैबरिक एक्सप्रैशन है उनके हाईएसट पावर आपको कितनी गिवन है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर सिक्स, नैक्सट अपने को क्वेश्चन नंबर सिक्स, फॉर्म आ बायनोमियल, फॉर्म आ बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलीनोमियल फोर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। हुण आपां नूं कुछ क्वेश्चन गिवन है, आपां उन्हां दे आंसर देने हैं। पहला की है, राइट अ बायनोमियल इन एम विद डिग्री ऑफ सैवन। ए पार्ट है कहिंदा बायनोमियल, मैं कुछ भी लिखता एम प्लस एम, वन ते वन टू टर्म हो गया, आपां सीधा देखना टू टर्म बन गया। डिग्री कितनी है सैवन, किसी एक दे उपर सैवन ला दो, दोवां दे उपर नहीं लगाउणा, दोवां दे उपर नहीं लगाउणा,
एक दे उपर लाना, ठीक है, तो डिग्री कितनी आ गई, 7 आ गई। नैक्सट की है, राइट अ ट्राइनोमियल, बी पार्ट है राइट अ ट्राइनोमियल इन ए विद डिग्री 11। हुण आपां लिखांगे ए प्लस ए, तीन बार ए लिखते, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म लिखनी है, डिग्री कितनी है 11, पर ये दोवें ऐड हो के सिंगल बना देंगे तो आपां एक नूं कुछ भी लिख देंगे, हुण नहीं ऐड होंगे, ओके। तिना की पावर नहीं सेम होनी चाहिए, एक की तो 11 उन्होंने क्या 11 लिखती, बाकी दो की जो मर्जी, 11 तो वड्डी नहीं लिखनी, 11 तो छोटा लिखना, एक के उपर ए स्केयर लाता, एक नूं कल्ला ए छड्डता। तीन टर्म क्या, पहली टर्म, दूजी टर्म ते थर्ड टर्म। सी पार्ट की कह रहे हैं, पॉलीनोमियल लिखना जेड दे विच जिंदी डिग्री कितनी होवे 5। हुण तीन तो वध वाला पॉलीनोमियल आपां क्या सी, तां आपां 4 लिखांगे, जेड प्लस जेड प्लस जेड प्लस जेड प्लस जेड, डिग्री कितनी है 5, एक दे उपर 5 लगाती, 4 3 2 1, दैट इज़ द पॉलीनोमियल इन जेड, डिग्री कितनी है 5, डिक्रीजिंग ऑर्डर दे विच मैं पावर लिखती, ओके। नैक्सट डी पार्ट, डी की कह रहा, राइट अ बायनोमियल इन एक्स विद अ डिग्री 1। हुण देखो जे आपां एक्स प्लस एक्स लिखांगे तो थोड़ा जिहा पंगा हो जाएगा, क्योंकि डिग्री कितनी है 1 है, तो आपां एक्स नूं की लिख देंगे, कुछ भी लिख दो, मैं 7 लिखता, ठीक है। वैसे तो आपां उपर दस्सिया सी दोवें इक्को जे लिख दो, पर जे डिग्री 1 देती तो आपां एक्स प्लस एक्स नहीं लिख सकते, एक्स की जगह कुछ होर लिखांगे, मैं की लिखता 7 लिखता, ओके। नैक्सट क्वेश्चन नंबर ई की कह रहा है, राइट अ ट्राइनोमियल इन पी विद डिग्री ऑफ 3। ट्राइनोमियल बनाना पी प्लस पी प्लस पी, डिग्री कितनी है 3, इतने 2 लिख दो, इतने की लिख दो 1 लिख दो, ठीक है, सिंपल जहा तरीका है, बस पहला जिन्या टर्म क्या उन्नी टर्म लिखो, फिर पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिख दो, जिमें 5 4 3 2 1, 3 2 1, ये बस ये थोड़ा ध्यान नाल देखियो, क्योंकि डिग्री 1 सी तो आप एक्स प्लस एक्स नहीं लिख सकते, किसी एक नूं कुछ भी है कॉन्सटेंट लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, ओके, एज यू विश। मैं इतने 7 लिखा, तो इन्दे नाल ही अपनी एक्सरसाइज 7.1 खत्म हुई, सारी एक्सरसाइज आप कंप्लीट की, नैक्सट वीडियो दे विच एक्सरसाइज 7.2 दे बारे डिस्कस करांगे, तो जे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई परसनल नंबर, इस नंबर के उपर वट्सएप पर तुम क्या अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। नैक्सट वीडियो कल जिंदे विच आपां डिस्कस करांगे 7.2 एक्सरसाइज।